नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आया। ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद अभी तक इस केस में कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन इसी जाँच के बीच जो एक और नाम चर्चा में आ रहा है वो है फेमस टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वान। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वान। क्वान जैसी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसियां सेलिब्रिटीज के शेड्यूल, फाइनेंस और अलग अलग ब्रांड्स के साथ उनके प्रोफेशनल संबंधों को संभालती हैं। ऐसी एजेंसियां पीआर का काम संभालने के लिए अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं जो सेलिब्रिटीज के मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जया साहा और श्रुति मोदी का नाम सामने आया था, जो कि सुशांत और रिया के मैनेजर के तौर पर काम करती थी। ये दोनों ही मैनेजर क्वान की एम्प्लॉय हैं। इसके अलावा ड्रग चैट में करिश्मा प्रकाश का भी नाम सामने आया है, जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर है। एक रिपोर्ट के अनुसार दीपिका साल 2013 से क्वान की सर्विस ले रही है। ये एजेंसी इसी कारण चर्चा में है क्योंकि ड्रग चैट केस में सभी नाम इस एक कंपनी के एम्प्लॉयज के ही आ रहे हैं। दिशा सालियन भी कुछ समय तक क्वान के साथ जुड़ी रही थी। क्वान एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को साल 2009 में अनिर्बान दास ब्लाहा, इंद्रनील दास ब्लाहा, मधु मंटेना, विजय सुब्रमण्यम और ध्रुव चिटगोपर ने बनाया था। ड्रग चैट केस में जया साहा से पूछताछ के बाद मधु मंटेना और क्वान के सीईओ ध्रुव चिटगोपर से भी पूछताछ हुई है। कुछ ही सालों में ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है और बॉलीवुड में बड़े क्लाइंट इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। कुछ ही सालों में अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, सोनम कपूर, ऋतिक रोशन, सुशांत सिंह राजपूत, जैकलिन फर्नांडिस और कृति सैनन जैसे सितारे क्वान के क्लाइंट बन गए। कंपनी में लगभग 300 एम्प्लॉयज़ है और ये 40 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के काम को देखती हैं। एक्ट्रेस के अलावा शिखर धवन, पीवी सिंधु, दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, सानिया मिर्जा जैसे स्पोर्ट्स पर्सन भी क्वान के क्लाइंट हैं। ये पहली बार नहीं है कि क्वान का नाम चर्चा में आया है। साल 2018 में भी कई महिलाओं ने कंपनी के फाउंडर मेंबर अनिर्बान दास ब्लाह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने इस एजेंसी को छोड़ दिया और कथित तौर पर आत्महत्या की भी कोशिश की। हालांकि अंतिम समय पर पहुंचकर पुलिस ने अनिर्बान को बचा लिया था। इसके बाद अनिर्बान मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। इसके बाद कंपनी में जया साहा सहित 6 और पार्टनर्स जुड़ गए और अनिर्बान का शेयर भी इन सभी पार्टनर्स ने खरीद लिया। जया साहा के पास कंपनी का 2% का शेयर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।